नमस्कार, आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हमारी यात्रा का आज 32वां दिन और आज हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आप तक ये सीधा कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं। ये मुलायम सिंह यादव की सीट है और यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि यादवों और मुसलमानों का एक गठजोड़ बन जाए, जिससे वो नरेंद्र मोदी की यात्रा को, नरेंद्र मोदी के एम्बिशंस को थाम दें। आप सभी का स्वागत है हम लोगों की इलेक्शन एक्सप्रेस में। मैं शुरुआत करना चाहूंगा अमित शाह के उस बयान से। हमारे साथ कुछ बीजेपी के समर्थक यहाँ पर हैं। अमित शाह यहाँ नजदीक में ही सरायमीर में आए और उन्होंने बहुत गलत बात कही हमारे हिसाब से। उन्होंने पूरे इलाके को, यहाँ मौजूद सब लोगों को आतंकवादी ठहराया। आपको नहीं लगता कि इस तरह का बयान चुनाव से ऐन पहले आपके एक शीर्ष नेता से आता हुआ पूरा गलत था? ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नहीं कहना चाहिए? नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं कहना चाहिए था, आप क्या कह रहे हैं? और हमें तो यही मालूम है कि हमारा देश जो है हिंदू और मुसलमान सबको मिला के लेके चलना है, और ऐसा ही बात नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जो हैं उनके कभी भी जवान से ऐसा शब्द सुनने को नहीं मिला है, और हम ऐसा बयान नहीं कर पाएंगे। मैं बाकियों से जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्टिग्मा है जो कि आजमगढ़ के लोगों को बहुत सताता है। जिस तरीके से लोग बाहर से आके कहते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी पनपते हैं, ये बहुत गलत है और किसी को ना कहना चाहिए, और अगर किसी ने कहा तो वो गलत। लेकिन जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ऐसा मानते हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि देश भर में आजमगढ़ की इत्तेफाक से बोलिए, कुछ भी बोलिए, कि हकीकत यह है कि छवि आज कुछ गड़बड़ा गई। नहीं, जो लोग भी ये कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं है। बल्कि जो लोग कह रहे हैं, मैं तो एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी हो, सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी है, दूसरा अमित शाह है। इसके अलावा कोई यहाँ पर आतंकवादी नहीं है, और उसी के रास्ते पर धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव भी चल पड़े हैं। आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि खास तौर से मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद मैं दिन भर घूम रहा था अलग अलग गलियों में, लोगों से बात कर रहा था। सबने कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद समाजवादी पार्टी ने यहाँ के जो लोग हैं उनका ख्याल नहीं रखा। सब बहुत लेट डाउन फील कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर में दंगा नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। दंगा हुआ, इसका हम लोगों को सबको खेद है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ देश के सारे लोगों को, जो भी आप सुन रहे हैं और जो भी लोग आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर में बहुत सारे दंगे हुए हैं, लेकिन जिस तत्परता के साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस दंगे पर काबू पाया है, विद इन ए वन डे ये इस चीज को मिटाया गया है। लेकिन यही सेम चीज अगर गुजरात में हुआ था तो उस गुजरात में क्या हश्र हुआ है इस दंगे का? और वो लोग सवाल करें कि जिन्होंने इस चीज को, मैं यहाँ लोगों से पूछता हूँ कि कितने लोग मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार ने मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो की, पर्याप्त कार्रवाई की? आप लोग मानते हैं कि आप नहीं मानते? पर्याप्त कार्रवाई अगर किया होता तो सुप्रीम कोर्ट इनको जो है फटकार न लगाती। ये बिल्कुल विफल रहे, नाकाम रहे, और सुसज्जित प्लानिंग के तहत इन लोगों ने मैच फिक्सिंग है इनकी बीजेपी से, और ये मरवाते हैं मुसलमानों को। और अब मुसलमान अच्छी तरह जाग चुका है, मुलायम सिंह के बहकावे में, मखौटे में नहीं आएगा। हमें सिक्योरिटी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि ये सरकार देने में नाकाम है। कौन दिलाएगा सुरक्षा? किस पे है आपको भरोसा? नहीं नहीं, सुरक्षा देने के लिए किसी पार्टी में ये नहीं है कि किसी ने सुरक्षा दी है मुसलमानों को। आज मुसलमान अपने को एकदम तन्हा महसूस कर रहा है, और खासकर यूपी में अगर मुलायम सिंह के आने से ये लोग कह रहे हैं कि विकास होगा, तो विकास 9 MLA हैं यहाँ, पहले से मंत्री हैं, लेकिन सड़कें आप जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा ये क्या विकास। बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट उठाया। समाजवादी पार्टी के कैंप में जो लोग हैं, सर ये तो बताइए 9 MLA, इतने मंत्री और इतने बड़े बड़े गड्ढे, कोई तरीका है क्या? क्या फायदा है ऐसी? ऐसा है कि उन्होंने कहा कि हमारे जिले में 9 MLA हैं। आप 2 साल की सरकार में आप पता लगा लीजिए कि कोई ऐसा विधानसभा ना जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही है। क्या झूठ बोल रहे हैं आप? सच्चाई झूठ है, झूठ है, झूठ लग रहा है आपको? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। सर विकास हुआ तो कहाँ हुआ? आजमगढ़ की सड़कों पर तो दिखाई नहीं देता है। भाई साहब आदिल शेख हमारा विधायक है, आदिल शेख हमारा विधायक है, हमारे ग्राम सभा में करोड़ों रुपया दिया, इसी तरह हर गांव में दिया।
ये तो हम मूड बना के आए कि हम विरोध करेंगे, मगर यह विकास हुआ है, विकास हुआ है मुलायम सिंह, काम हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, कितने लोग मानते हैं? अच्छा एक सेकेंड, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप लोग मेरी बात सुनिए, मेरा गला वैसे ही फट रहा है, जब मैं कहूँ तब आप उस सवाल का जवाब दीजिए। कितने लोग मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में आजमगढ़ में विकास हुआ है? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा कितने लोग हैं जो मानते हैं कि विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ, कितने लोग मानते हैं विकास नहीं हुआ? ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो मानती है कि विकास नहीं हुआ। आप कांग्रेस से हैं, ये तो कहते हैं कि कांग्रेस और सपा की भी मैच फिक्सिंग चल रही है। नहीं, मैं कहता हूं कि सपा और बीजेपी की चलती है, ये लिए कि उसका उदाहरण जो है मुजफ्फरनगर एकदम सामने खड़ा है। इन्होंने अमित शाह तोगड़िया या लोगों ने पहले फसाद होने से पहले इन लोगों ने पूरी दावत किया है, पूरा सब प्लानिंग के साथ वहाँ मुजफ्फरनगर का काम किया गया है। इसमें दोनों आदमी, एक सेकेंड, क्या कहना चाह रहे हैं? सिंगल से बाकायदा मुलायम सिंह ने मीटिंग किया, उसके बाद जो है 84 परिक्रमा का ऐलान किया, साथ साथ जब वो विफल रहे तो मुजफ्फरपुर के दंगा का जो है वो रचना रची गई, और सैफई में नंगा नाच हो रहा था, और केमे में मजलूम लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं जो मानते हैं कि मुलायम और मोदी की मैच फिक्सिंग है? कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो मानते हैं कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो बेतुकी बात है? आप मानते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि देख लीजिए आप एसपी से हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कहता है कि आपकी कोशिश होती है मुसलमानों को पोलराइज करने की, बीजेपी की कोशिश होती है हिंदुओं को पोलराइज करने। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज जब हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, मायावती इस बार चुनाव कहीं से न लड़ रही है, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में जब मोदी के आमद हुई, मोदी का आगमन हुआ, तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से आकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए, और वहां से ऐलान हुआ कि यहां से मोदी का रथ रोक दिया। पर किसी से भी पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि मुलायम की आजमगढ़ में हालत ज्यादा पक्की है नहीं, किसी से भी पूछ लीजिए। पक्की नहीं है क्या? पक्की नहीं सर, सुने सुनाई नहीं दिया क्या? कह रहे हैं कि आजमगढ़ में मुलायम की हालत बहुत पक्की नहीं है। सर यहाँ मुलायम सिंह यादव 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, यहाँ जितने लोग हैं सबकी जमानत जब्त होने। मैं यहाँ पे पीछे जो यंग लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आजमगढ़ के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों का समाधान क्या है? आपके हिसाब से चुनाव में सबसे बड़ा इशू क्या है बताइए, कौन बोलेगा? हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है आजमगढ़ को जिस नजर से देखा जा रहा है। आज मैं कम से कम इंडिया के 10 से ज्यादा स्टेट में जा चुका हूं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, हमको यहां पे किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाएं, हमको वो उस नज़र से देखते हैं कि ये आजमगढ़ के रहने वाले ये आतंकवादी हैं। यहाँ जितने मुसलमान हैं, मैं कहता हूँ यहाँ की पब्लिक जितनी एजुकेटेड आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ एजुकेशन है, यहाँ पैसा है, यहाँ तरक्की है, यहाँ सब कुछ है, और इससे जला जा रहा है। इससे हर सरकार, मैं कहता हूँ हर पुलिस, हर गवर्नमेंट जानती है कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं, लेकिन हमको फंसाया जा रहा है, ये सबको मालूम अच्छी तरह। और मोदी की अगर सरकार आएगी तो हम तो फिर तो गए। क्यों आपको लगता है, क्यों आपको मोदी से खतरा लगता है? मोदी ने एक चीज इंश्योर की कि 2002 के बाद गुजरात में तो कोई दंगा हुआ नहीं, और वो कहते हैं कि मैं कम्युनल नहीं हूं, मैं तो केवल विकास में, जॉब्स में, ग्रोथ में रुचि रखता। कहने और करने में फर्क है, वो एक्टिविटी मालूम पड़ जाती है, उनके कहने से क्या है और उनके करने से क्या हमको मालूम है। गुजरात में जो हुआ उस पर तो आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आजमगढ़ में आप पिछले 100 साल की हिस्ट्री में देख लिए, हिंदू मुसलमान में कोई भी दंगा नहीं है। यहाँ का कोई भी मुसलमान ना तो हिंदू पे ज्यादती करता है, ना कोई हिंदू मुसलमान पे ज्यादती करता है आजमगढ़ के अंदर। आप कहीं भी 100 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह के यहाँ आजमगढ़ से खड़े होने से क्या आपको लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जो भाजपा की हवा बनाने की कोशिश करें उसको मुलायम रोक पाएंगे? नहीं, देखिए यहाँ पे मोदी की कोई हवा नहीं है, खासतौर से पूर्वांचल के अंदर
यहाँ पे जो एक हवा एक विकास की बात हो रही है, आतंकवाद की जो सबसे मेन इश्यू है, जैसे नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि उन्होंने 2002 के बाद दंगे नहीं करवाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2002 के बाद से पूरे हिंदुस्तान के कम से कम 12 स्टेट से लगभग 2000 लड़कों को ले जाके साबरमती जेल में रख के उनको टॉर्चर कर रहे हैं। 6 साल तो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, ये भी एक तरह से टॉर्चर है। जुहापुरा इलाके में आवारा कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं अहमदाबाद में, वो भी। ये आपको कैसे मालूम? मैं वहाँ जाके देख के आया हूँ साबरमती जेल में, आप जाकर वहाँ निकालवाइए रिकॉर्ड। कम से कम 10 स्टेट के अच्छे खासे लड़के आपको वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे मोदी की कोई हवा नहीं है। रोड पे जो अखबार आते हैं, टीवी से जो लोग देखते हैं, वही सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखते हैं। यहाँ गांव के अंदर जिस भी पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा, जो विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो विकास करके दिखाएगा, क्योंकि तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी टीवी पर ज्यादा है, जमीन पर कम। यहाँ पे जो बीजेपी के समर्थक है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ की अगर जनता से बात की जाए तो यहाँ तो मोदी हवा में ही दिखते, जमीन पे नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मोदी की पूरी पूरी हवा है। और कहाँ है मोदी? पूरी पूरी हवा है मोदी की। 16 तारीख को आने वाली 16 तारीख को काउंटिंग के दिन मोदी का विजय पताका यहाँ से फहरेगा और वो पूरे पूर्वांचल की 80% सीट वो लेकर के जाएंगे मोदी। पर आपको लग रहा है कि मुलायम सिंह के खड़े होने से मोदी का जो एकदम पहिया चल रहा था वो पंक्चर हो गया? नहीं, हाँ पंक्चर मुलायम सिंह का ना। अरे भाई साहब, कौन सी पार्टी से आप तो कंफ्यूज किया जाते हैं। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि मुलायम के खड़े होने से क्या मोदी का पहिया पंक्चर हो गया आप कह रहे हैं? हाँ यहाँ तो पहिया उनका बहुत काफी अच्छा चल रहा है और नरेंद्र मोदी आप भविष्य के प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, क्योंकि वाराणसी में खड़ा करने का जो बीजेपी का मकसद था, क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई साहब? यहाँ बीजेपी का ही लहर चल रहा है, पूरे पूर्वांचल में बीजेपी ही बीजेपी नजर आ रही है। घर घर गाँव गाँव में जाके बच्चे बच्चे के जबान पे मोदी मोदी की लहर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की लहर आ रही है। और वह 80 में कम से कम 75 तक ले आके और यहाँ पर लहर ही लहर आ रही है। वो लोग बोल रहे हैं उनको लहर नजर नहीं आ रही। मोदी का विकास रथ शुरू हुआ, अब एंड हो रहा है राम रथ पर। अब वो राम की शक्ल दिखा के और उसका मॉडल दिखा के वोट लेना चाहते हैं। अगर विकास की बात होती तो क्यों दिखा रहे हैं? विकास की बात होती तो राम रथ बीच में कहाँ से आ गया? हम वो कह रहे हैं कि बात तो हुई विकास की, अब राम रथ बीच में कहाँ से आ गया? लेकिन यहाँ पर मोदी का विकास का ही मॉडल, गुजरात का जो गुजरात में विकास का मॉडल दिखाया जा रहा है, यहाँ अभी राम रथ का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। चारों तरफ विकास का ही नवयुवक, उन्हीं को ले आने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए इच्छुक। आजमगढ़ से आज तक के इलेक्शन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में आज इतना ही। कल 33वें दिन एक बार फिर से आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस लिए हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और आजमगढ़ में जुड़ी जनता, अपने लिए एक बार ताली तो बजा लीजिए, बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।